वेलकम बैक टू माई चैनल इस्टी बेस्टी मोमेंट. होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो आज का जो वीडियो है वो एक बंगाली ट्रेडिशनल साड़ी ड्रिपिंग है जिससे मेरी एक बचपन की यादें जुड़ी हुई है. बिकॉज आई वॉज सिंस चाइल्डहुड आई वॉज इन कोलकाता. आफ्टर माई मैरिज आई मूव टू बैंगलोर. सो मुझे यहाँ पे वैसा माहौल नहीं मिलता है और यहाँ पे ज्यादा दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं होती है. तो मैं वो पुरानी जो मेमोरी है मैं बहुत ही मिस करती हूँ. वो क्या होता था, हम लोग होल नाइट घूमना फिरना फिर मॉर्निंग में घर आना. तो मैंने सोचा से क्यों ना उस मेमोरी को फिर से रिक्रिएट किया जाए. और अभी हमारे नवरात्र भी चल रही है तो मैंने सोचा चलो फिर से उस मेमोरी को रिक्रिएट करते हैं. तो इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी बंगाली ट्रेडिशनल साड़ी कैसे ड्रिप करते हैं. तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. और प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा से आज मेरा लुक कैसा लगा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है ये साड़ी को पहनने के लिए. तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए साड़ी ड्रिपिंग स्टार्ट करते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बनारसी सिल्क साड़ी ली हुई है जिसका कलर लाइट क्रीम कलर और उसका जो पल्लू का कलर है वो ग्रीन है. साथ में मैंने रेड कलर की ब्लाउज पहनी हुई है और मैंने ब्लैक कलर की जीन्स भी पहनी हुई है. आपको यहाँ पे पेटीकोट पहनना है क्योंकि मैं कंफर्टेबल थी जीन्स में, क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी था वीडियो ड्रिप करके, इसलिए मैंने यहाँ पे जीन्स यूज़ कर रही हूँ. तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसी कलर की पेटीकोट पहन सकते हैं. तो हम जो साड़ी का एंड पार्ट होता है उसको हम अपने जीन्स में अच्छे से टक कर लेंगे. जैसे हम नॉर्मली साड़ी को टक करते हैं वैसे ही हमको यहाँ पे अपनी साड़ी को टक करना है. और करने के बाद आपको साड़ी पीछे से लेके आनी है सारी साड़ी और फिर से आपको अच्छे से टक करना है. तो हमारे जो पीछे में कुछ साड़ी का पार्ट निकला हुआ है उसको भी हम अच्छे से टक कर लेंगे जिससे हमारा साड़ी का जो फिनिशिंग लुक है वो बहुत नीट एंड क्लीन दिखे. तो मैं उसको अच्छे से टक कर ले रही हूँ. तो अभी मेरी टकिंग भी अच्छे से हो गई है. होने के बाद एक बार मैं फिर से इसको चेक कर लूँगी इसे सब कुछ अच्छे से हो गया है टकिंग या नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भी बाहर अगर साड़ी निकली रहेगी तो वो पीछे से अच्छा लुक क्रिएट नहीं होगा और वो बहुत ही ऑड लगेगा. उसके बाद मैं अपने साड़ी का जो हमारा पल्लू वाला एरिया होता है उससे मैं एक रफली पल्लू मेज़र कर लूँगी. तो मैं यहाँ पे एक रफली पल्लू मेज़र करूँगी जिसे मैं अपने शोल्डर पे रख के. और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, से जो आपका पल्लू का लेंथ होगा वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग फुल लेंथ होना चाहिए, क्योंकि हम लास्ट में जब अपना पल्लू करेंगे तो उस पल्लू को लेके हमको सामने की तरफ भी आना है. तो इसलिए पल्लू का जो लेंथ है वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग पूरा सेम हाइट का होना चाहिए. उसके बाद हम अभी भी अपना प्लेट्स करना स्टार्ट करेंगे. तो हम अपने प्लेट्स को बंगाली साड़ी में क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल प्लेट्स होती है वैसी नहीं होती. यहाँ पे जो प्लेट्स का जो साइज़ होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो हमको यहाँ पे चौड़ी प्लेट्स करनी है. आप देख सकते हो मैं चौड़ी चौड़ी प्लेट्स कर रही हूँ और अराउंड यहाँ पर मेरी 3 या 4 प्लेट्स हुई है. तो आपको भी चौड़ी प्लेट्स करनी है. आप जैसे नॉर्मल हम रेगुलर डेज में जो हम पतली पतली प्लेट्स करते हैं वैसे हमको बिल्कुल भी प्लेट्स नहीं करनी है. तो अभी यहाँ पे मेरी 4 प्लेट्स हुई है. अब इस सारी प्लेट्स को मैं एक एक करके अरेंज कर लूँगी और अरेंज करने के बाद आपको अपने हाथों से उसे एक हल्के से प्रेस करना है जिससे आपकी सारी प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि हमारी प्लेट्स अगर अच्छे से सेट होगी तो वो सामने का प्लेट्स बहुत ही खिल के आएगा और बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेगा. उसके बाद मैं अपनी सारी प्लेट्स को अपने सामने की तरफ टक कर लूँगी और टक करने के बाद फिर से मैं एक बार अपने हाथों से उसे एक बार अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ जिससे सारा जो प्लेट्स का लेयर है वो अच्छे से सेट हो जाए और फिक्स हो जाए, जिससे हमारी जो प्लेट्स की लेयर है सामने की तरफ वो बहुत सुंदर दिखेगी. तो हमारे यहाँ पे प्लेट्स भी अच्छे से टक हो गई है और हमने उसको अपने हाथों से प्रेस करके अच्छे से फिक्स भी कर लिया है. अभी हम जो करेंगे वो है हमारा पल्लू सेट करेंगे. तो
पल्लू का जो प्लेट्स है वो जो आप नॉर्मल जैसे हम करते हैं हमेशा वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। तो मैं जैसे नॉर्मल मैं पल्लू पहनती हूँ और लेती हूँ अपनी साड़ीज़ में, तो मैं वैसे ही पल्लू बना रही हूँ। आपको जैसी पल्लू पसंद है आप अपने उसके अकॉर्डिंग आप प्लेट्स बना सकती है। तो मुझे नॉर्मली मैं छोटी प्लेट्स में करती हूँ अपनी साड़ी में, तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स बना रही हूँ। प्लेट्स बनाने के बाद मैं सारे प्लेट्स को एक एक करके अरेंज कर रही हूँ। तो आपको भी सारे प्लेट्स को ऐसे एक एक करके अरेंज करना है, क्योंकि हमारी ये जो पल्लू है थोड़ी सी लेंथ में लंबी है, तो मैं इसे एक सेक्शन करके थोड़ी सी पार्ट करके मैं वहाँ पे पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। उसे जो रिमेनिंग पार्ट है पल्लू का, जब उसे मैं अच्छे से अरेंज करूँगी तो मुझे ऊपर वाली पल्लू मेरी गड़बड़ नहीं होगी, और जिससे मुझे अच्छे से मैं यहाँ पर रिलैक्सली मैं इसको सेट कर सकती हूँ। तो जो रिमेनिंग वाला पल्लू का एरिया है उसे भी मैं अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, और अपने हाथों से मैं उसे प्रेस कर रही हूँ जिससे हमारा जो पल्लू है वो अच्छे से फिक्स हो जाए और हमारी प्लेट्स बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ऐसी ना दिखे। तो हम उसको एक एक करके चेक करेंगे और अपने हाथों से उसे प्रेस करते जाएंगे। ये सिल्क की साड़ी है, बनारसी साड़ी है, आप इसको अपने हाथों से जितना ही अच्छे से प्रेस करेंगे आपकी सारी प्लेट्स उतनी ही अच्छी से फिक्स होगी और वो बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो अभी मैंने उसे अच्छे से अपने हाथों से प्रेस कर लिया है, अभी उसे हम अपने शोल्डर पे रखेंगे। उसके पहले हम एक एक प्लेट्स को फिर से अपने हाथों में अरेंज करेंगे जिससे हमारी एक भी प्लेट मिस ना हो और बाहर ना निकले। तो मैं उसे एक एक करके फिर से चेक कर ले रही हूँ। अभी यहाँ पे मेरी सारी प्लेट्स अच्छे से सेट हो गई है। अगेन मैं उसे हाथों से प्रेस कर रही हूँ। तो आपको भी सेम वे में अपनी प्लेट्स को एक एक करके अरेंज करना है, हाथों से सेट करना है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद आपको अपने शोल्डर पे रख के उसे एक सेफ्टी पिन की हेल्प से उसे सिक्योर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपनी सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं अपनी पल्लू को सिक्योर कर ले रही हूँ। सिक्योर करने के बाद अगेन मैं अपनी सारी प्लेट्स को एक एक करके अच्छे से अरेंज करूँगी जिससे हमारा जो सामने का लुक है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखे। तो मैं एक एक प्लेट्स करके उसकी सारी लेयर को मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी और एक एक करके बहुत अच्छे से उसको सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपनी सामने की प्लेट्स बहुत अच्छे से सेट कर ली है और वो बहुत अच्छे से अरेंज हो गई है। उसके बाद हम अपना पल्लू से जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला प्लेट से उसे हम लेके पीछे की तरफ हम उसे अपने बैक के साइड उसे हम एक सेफ्टी पिन से उसे सिक्योर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने एक सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं पीछे की साइड फर्स्ट वाले पल्लू का जो हमारा प्लेट्स है उसे हम सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद अगेन मैं सारी प्लेट्स को अच्छे से अपने हाथों से अरेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि जब हम फर्स्ट प्लेट पीछे टाइटली लेके गए थे तो हमारी सारी प्लेट थोड़ी खींच जाती है। तो इसे मैं अच्छे से एक बार सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो उसे मैं अपने हाथों से कैसे सारी प्लेट्स को प्रेस कर रही हूँ और उसे सेट कर रही हूँ। सेम वे में आपको भी करना है जिससे आपकी प्लेट्स बहुत ही निखर जाए और बहुत ही खुल के दिखे। अभी हमारा जो पल्लू वाला एरिया है तो उसे हम सामने की तरफ लेके आएंगे, और सामने लेने के बाद तो मैंने यहाँ पे अपना एक पिनअप किया हुआ था सिक्योर करने के लिए, तो वो मैं निकालना भूल गई, तो मैं उसे अभी निकाल दूंगी। निकालने के बाद हम अपना पल्लू का जो एरिया है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसे हम सामने की तरफ लेके आएंगे, और लेके आने के बाद हम एक कोने को पकड़ के, जो हमारा सबसे ऊपर वाला कोना है उसको पकड़ के ट्राइंगल शेप में हम उसको प्लेट्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में छोटी छोटी सी स्मॉल साइज में मैं यहाँ पे प्लीट्स बना रही हूँ। आप ट्राई करना से यहाँ पे जितनी स्मॉल प्लीट्स हो आप उतनी बनाओ, क्योंकि जितनी स्मॉल प्लीट्स होगी हमारे पीछे की तरफ का जो लुक है वो प्लीट्स की वजह से बहुत ही सुंदर दिखता है। तो हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे, और बनाने के बाद एक बार सामने आप रख के अपने शोल्डर पे एक सेफ्टी पिन की हेल्प से उसे अच्छे से आप सिक्योर कर लो। तो मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प से मैंने अपने पल्लू का जो ट्रायंगल वाला एरिया है उसको पीछे रख के मैंने उसे अच्छे से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी प्लेट्स को अगेन चेक कर रही हूँ और सारे प्लेट्स को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक,
और आप देख सकते हैं कि पीछे हमारी जो प्लीट्स है जो मैं जैसा मैंने आपको बोला था छोटी छोटी बनाइएगा, जिससे बहुत ही सुंदर प्लीट्स में लेयर आई है। अब इसे मैंने फाइनल फिनिश देने के लिए मैं एक कमरबंद लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसको लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना लगाए भी आपका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इयररिंग्स। तो मैं अभी अपना इयररिंग्स भी पहन ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको बंगाली साड़ी ड्रिपिंग दिखा रही हूँ, तो मैं सोची चलो आपको मैं पूरा फुल दिखाऊंगी मैंने क्या क्या पहना है और मैंने अपना फाइनल लुक कैसे क्रिएट किया है। तो मैंने यहाँ पे अपनी दूसरी इयररिंग्स भी पहन रही हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा से आपको ये बंगाली साड़ी ड्रिपिंग कैसा लगा और आपको मेरा फाइनल लुक कैसा लगा। पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है रेड वाइट एंड ग्रीन का बहुत ही सुंदर आ रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।